वाराणसी में निबंध मित्र की तैनाती को लेकर अधिवक्ताओं ने सोमवार को हो हल्ला मचाया। स्टाम्प मंत्री रविन्द्र जायसवाल पर नाराजगी जताते हुए कहा कि उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। कलेक्ट्रेट परिसर में सैकड़ों वकीलों ने विरोध जताया। उत्तर प्रदेश में पहली बार बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर खोलने के लिए निबंधन मित्र की नियुक्ति होने जा रही है। इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। निबंधन मित्र रजिस्ट्री और प्रॉपर्टी संबंधी दस्तावेज तैयार करेंगे। इससे पहले उन्हें सरकार की तरफ से प्रशिक्षण दिया जाएगा, फिर यूनिक आईडी नंबर के साथ लाइसेंस दिया जाएगा। एक रजिस्ट्री का पेपर तैयार करने की फीस 2000 रुपए तय करने का प्रस्ताव है। वहीं गलत डीड के लिए जवाबदेही भी होगी। इस प्रस्ताव से न्यूनतम 20,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। इनमें महिलाओं की अच्छी संख्या होने की उम्मीद है। देश में अपनी तरह का यह पहला प्रयोग होगा। सूत्रों के मुताबिक संबंधित प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसे जल्द ही कैबिनेट में पेश किया जाएगा। प्रदर्शन कर रहे वकीलों का कहना है कि इससे उनके काम पर असर होगा और उनका काम प्रभावित होगा। इससे उनकी आजीविका खत्म होगी और वो बेरोजगार हो जाएंगे। माननीय स्टाम्प मंत्री द्वारा हर समय अधिवक्ताओं के हितों की सुरक्षा नहीं की जाती है। वो कभी न कभी किसी न किसी रूप से हम अधिवक्ताओं को परेशान करने का प्रयास करते रहते। उसी कड़ी में वो अब एक नया नियम लागू करने जा रहे हैं, निबंधन मित्र, जो कि निबंधन मित्र केवल ग्रेजुएशन करने वाले छात्रों के द्वारा कराया जाएगा। रजिस्ट्री अब हम लोग नहीं करा पाएंगे, रजिस्ट्री अधिवक्ता अब नहीं कराएगा, वो निबंधन मित्र कराएंगे। हम सभी लोग निबंधन मित्र के खिलाफ आज माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रहे हैं, अपना पत्रक देंगे और उनसे कहेंगे कि जब तक निबंधन मित्र का वो निर्णय वापस नहीं लेते हम लोग आंदोलनरत रहेंगे। इस मुद्दे पे हम लोग जो है आंदोलनरत रहेंगे। आज हम लोग अपना ज्ञापन देने जा रहे हैं। आप लोगों की मांगे पूरी नहीं तो आगे क्या? अभी अगर हम लोग की मांग पूरी नहीं करते आज हम लोग पत्रक दे रहे हैं। ऐसे है कि ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं सुनेंगे, हम लोग उनके पास जा रहे अभी अपनी बात रखेंगे। मुख्यमंत्री, हम लोग को पूरी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग की मांगों को स्वीकार करेंगे और निबंधन मित्र के निर्णय को वापस लेंगे जो स्टाफ मंत्री ने अकेले लिया हुआ है। आगे जैसा होगा वैसा निर्णय होगा।